सोहेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो तीसरा जो किस्त आ रहा है, तीसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है जो बहुत लेट हो रहा है, और किन किन का रिजेक्ट हो गया, बहुत सारा का रिजेक्ट हो गया है। तो उसका लिस्ट, न्यू लिस्ट कैसे देखेंगे, न्यू लिस्ट रिजेक्ट हो गया है कैसे देखेंगे, और किन का रिजेक्ट हुआ है, यानी उसमें सारा डिटेल देखेंगे, नाम के साथ आपको दिखा देंगे और सारा कुछ डिटेल इसमें दिखा देंगे आपको। इस वीडियो में सारा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी ब्राउजर अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। मैं यहाँ गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है PMAYGNIC.in। आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FTO ट्रांजैक्शन समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको, मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ होम बटन आपको दिख रहा होगा, होम पे आपको क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आवास सॉफ्ट आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे 7वें नंबर पे दिया गया है। मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। 7वां नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर पे लिखा गया पेमेंट रिजेक्ट बाय बैंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है उस पे आपको क्लिक कर देना है। मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। आपका जो इंस्टॉलमेंट रुका हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना योजना सेलेक्ट कर लेना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट, ऑल स्टेट, यहाँ और स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पे जिला सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो मैं ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देता हूँ। अगर कैप्चा कोड आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से आप कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं डाल देता हूँ। कैप्चा कोड इंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ से मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कंट्री नॉट डाटा, यहाँ पे नो डाटा लिख रहा है। तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, PDF पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, कोई भी रिजेक्ट वाला नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यानी जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है जो किन्हीं का रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ दिखा देता हूँ किन का जो रिजेक्ट हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे योजना सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर से अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जिला में सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करके, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे लिख रहा है यहाँ पे नीचे सारा डिटेल यहाँ पे नीचे खुल के आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजेक्ट हुआ है लिस्ट नीचे आ चुका है। तो इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन डाउनलोड करने का है, एक एक्सेल एक PDF में। अगर कंप्यूटर में आप देख रहे हैं तो एक्सेल में कर सकते हैं, मोबाइल में देख रहे हैं तो डाउनलोड PDF में कर सकते हैं। तो मैं PDF में कर लेता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितना का रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे सारा, यानी आठ का, यहाँ पे आठ गो का दिया गया है रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे नाम भी दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और एफ टी ओ नंबर भी दिया गया है और सारा कुछ यहाँ पे रीजन भी लिख दिया गया, रिजेक्ट रीजन सारा कुछ यहाँ लिख दिया गया, क्या कारण से रिजेक्ट हुआ है सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप गाइज इस तरह से आप अपने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।